भारतीय जनता पार्टी रहे के रास्ते से। अगर कम्युनिस्ट पार्टी ये सोचती है कि हम अपनी ताकत बढ़ा लेंगे तो ये सोच उनकी गलत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये हमले का जवाब, चोट का जवाब वोट से देने की अपील के साथ पूरे केरल की जनता को अपील करते हैं। केरल में विकास और शांति चाहिए तो जिनके काम की रचना ही हिंसा के आधार पर हुई है ऐसी पार्टियों को केरल की जनता नकार दी। एक 27 साल का युवा बीटेक होकर अपने परिवार के लिए काम करने की जगह पूरा जीवन देश के लिए काम करने का संकल्प करता है, ऐसे बच्चे पर हमला करना और वो हमले के माध्यम से हमारी विचारधारा के कार्यकर्ताओं में भय पैदा करना, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा निंदनीय काम कोई हो नहीं सकता। क्या दोस्त है अमन कृष्णा का? वो भी तो एक अच्छा जीवन जी सकते थे, एक अच्छी नौकरी लेकर अपने माँ बाप की सेवा कर सकते थे। अमन कृष्णा ने
पूरा जीवन देश की सेवा करने के लिए समर्पित किया और आज जब मैं अमल कृष्णा को जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष करता देखता हूँ, उनकी माता पिता की आंख में आंसू देखता हूँ, तो मेरा और हमारे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता का निश्चय और दृढ़ हो जाता है कि हिंसा के रास्ते पर चलने वाले को हम विजयी नहीं होने देंगे। अमल कृष्णा पर हमला ये कोई पहली घटना नहीं है, एक सिलसिला है हमारे विचार को रोकने का। कई कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है और आज अमल कृष्णा भी जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से ईश्वर से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस हमले में जो सभी कार्यकर्ता घायल हुए हैं वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ करें और फिर से एक बार इस विचारधारा के लिए काम करने के लिए स्वस्थ होकर बाहर आए। और मैं केरल की जनता को भी अपील करना चाहता हूँ कि कांग्रेस कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट कांग्रेस का जो सिलसिला केरल में चला है इससे केरल में हिंसा रुक नहीं सकती। अगर केरल में हिंसा रुकनी है तो एक बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार केरल में बनानी पड़ेगी, तभी जाकर ये हिंसा का सिलसिला, ये नौजवानों का बलिदान और विचारधारा के खिलाफ हिंसक हमले समाप्त होंगे। ये जघन्य हमले में घायल हमारे सारे कार्यकर्ता को KIMS अस्पताल ने अच्छे से उनकी देखभाल की है और उनके स्वास्थ्य की चिंता की है। पार्टी की ओर से हॉस्पिटल मैनेजमेंट के प्रति हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आभार व्यक्त करते हैं और अमल कृष्णा के माता पिता और बहन तीनों को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इनकी संकट की घड़ी में इनके साथ खड़े हैं और उनसे भी ज़्यादा वेदना के साथ, उनसे भी ज़्यादा कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भाई अमल कृष्णा बहुत जल्दी स्वस्थ होकर इनके परिवार में वापस लौटें।